हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश मुआ और आप देख रहे हो अभी फॉर यू बाइकर को। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हो कि आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं पंचर किट का। जी हां दोस्तों, पंचर किट का। दरअसल ये मेरे दिमाग में आइडिया कैसे आया, तो यार आज क्या हुआ कि मेरा गाड़ी का जो अगला पहिया होता है उसका क्या हुआ, मेरा मतलब पूरा पंचर हो गया और हवा उसमें कम किया। तो फिर मैं गया चेक करवाने के लिए, क्योंकि मैं 2-3 दिन पहले उसमें हवा डलवाया था। तो फिर यार चेक करवाया तो पता चला, मतलब ये मेरा ये प्रॉब्लम 10-15 दिन से हो रहा था। तो मुझे लग रहा था यार हवा निकल जाता है तो शायद पंचर नहीं होगा। तो फिर आज मैं चेक करवाया, मतलब डाउट हो गया आज कि पंचर है, हो गया मेरा गाड़ी फिक्स। तो चेकिंग करवाया यार, तो उसमें निकल गया मेरा 4 पंचर। तो 4 पंचर का होता है भाई 200 रुपया पर पंचर के, 50 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो 200 रुपये होता है। तो फिर मैं क्या किया, फिर मैं वहाँ बनाया नहीं यार, गाड़ी लिया और चल गया पंचर किट खरीदने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं उसी का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहो यार, और जो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ भाई, वो बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। जो प्रोडक्ट है, जो उसका क्वालिटी जो रहेगा, मैं वही बताऊँगा, ठीक है। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले मैं ये लाया खरीद के, इस तरह के कुछ पाउच है और इसमें ये देख लो पंचर का, हाँ ये देखो किट है टोटल। यहाँ दोस्तों एक मिला है ये, जो कि देख सकते हो, ये आप समझ सकते हो ये क्या है। ये क्या होता है, जब टायर पंचर हो जाता है तो यही डाला जाता है उसमें, जिसके वजह से हवा लीक नहीं होता है। तो देखो यार ये मिला है, ये मुझे किट पड़ा है 160 रुपये का। ये सिर्फ इसमें क्या क्या मिला है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक ये है, तो इसमें यार 6 पीस है, मतलब अगर 6 पंचर रहा मेरा गाड़ी के अंदर तो ये इतना में ही बन जाएगा। तो ये देखो 6 ठो ये हुआ, और इसमें ये देखो दोस्तों एक ये है और एक ये है। देखो यार ये बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए आपका वो टायर में कहीं छेद है या कहीं से हवा लीक हो रहा है, तो उसके अंदर ये डाल करके इस तरह से चेक कर सकते हो और पता कर सकते हो कि कहाँ पे हवा है, और अगर वहाँ पे कोई कील विल है तो फिर उसको निकाल भी सकते हो इस तरह से। मैं वो भी दिखाता हूँ। और एक ये है, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये है ये वाला जो इसमें डलाता है, इसमें यहाँ पर होता है, फिर जो भी छेद रहता है उसमें इस तरह से आप डाल सकते हो, बिल्कुल इस तरह से। देख सकते हो यार किस लेवल की इसकी क्वालिटी, एकदम मस्त चीज़ है यार। और ये मुझे मात्र 160 रुपये मिला है, जो कि यार अगर आप ट्यूबलेस टायर है आपके पास आपके गाड़ी में, तो अगर आप बनवाने जाते हो तो यार 3 निकलता है 3 उसमें निकल जाता है 3 पंचर, तो 150 रुपया तो ले लेगा वो ऐसे ही। तो इससे बढ़िया क्यों ना हम यही खरीद लेते हैं, तो इसलिए मैं ये खरीद लिया हूँ। तो ये देखो ये दोनों हैं, और इसके साथ एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ती है दोस्तों हमें, वो प्लास की। ये देखो इसका ये प्लास है, और ये मुझे पड़ा करीब करीब 100 रुपये का। तो मैं इसका भी आपको दिखाने वाला हूँ, ये देख लो। ये यार इस तरह से प्लास है। अब देखो इसका यूज क्या होता है, टायर के अंदर अगर कील रहता है तो उसको इस तरह से इससे पकड़ करके खींच लेते हैं, कील या रॉड जो भी टायर के अंदर चला जाता है, छोटे छोटे कील होता है तो उसको हम हाथ से नहीं पकड़ के घिस सकते, इसके लिए इस चीज़ का यूज कर सकते। अगर आप टायर बनवाए हुए तो आपको पता है जो इसका यूज होता है, पंचर होता है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका पड़ा 100 रुपया, और ये दोनों जो किट है, और इसके साथ मुझे ये 1 ठो मिल गया था पंचर के लिए 6, तो इसका मुझे पड़ा टोटल का 160 रुपया और 100 रुपया, तो हो गया दोस्तों समझ सकते हो 260 रुपया, इतना का हो गया 260 रुपया। अब उसके बाद यार हमें ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है कि गाड़ी में भाई हवा कैसे भरे, क्योंकि हम लोग के पास तो मशीन है नहीं कि हवा भर सकते हैं। तो उसके लिए मैं ये ख़रीद के लाया हूँ, ये देख लो, ये देख लो यार, ये पाइप ख़रीद के लाया हूँ, और ये भी मैं लोकल मार्केट से ही ख़रीदा हूँ, कहीं मैं कोई ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया हूँ, और ये लोकल मार्केट से ही ख़रीदा हूँ यार। और ये बिल्कुल मस्त चीज़ है, मतलब ये देखो यार पूरा लोहा है, और ये चाइनीज़ पाइप आता था उसी तरह से है, लेकिन इसका ये जो बॉडी है दोस्तों ये पूरा का पूरा लोहा है, और ये मुझे पड़ा है 230 रुपये का। तो देख लो यार इतना में ही मेरा पंचर किट एकदम रेडी हो गया है, और मेरे गाड़ी में पंचर भी है 3 ठो, जो अगला व्हील में है उसमें बिल्कुल हवा निकल चुका है यार। और यार ट्यूबलेस टायर में एक ये भी प्रॉब्लम होता है कि यार पता नहीं चल पाता है कि, मतलब अगर पंचर भी रहे और अगर आप अकेले राइड करते हो तो पता नहीं चलता है हवा है या नहीं है, वो जब बस रास्ता उबड़ खड़ा रहता है तो उसमें पता चलता है कि हाँ भाई गाड़ी पंक्चर हो चुकी है। तो यार मैं यही किट ले आया हूँ, क्योंकि बार बार एक कौन खरीदता है। ये देख लो यार, मतलब क्वालिटी यार मस्त है, 230 रुपया इसका लिया है, मतलब पैसा वसूल चीज़ है यार।
मतलब पता नहीं आपको उसमें उतना अच्छा समझ में आ रहा होगा कि नहीं, लेकिन एकदम मस्त चीज़ है भाई। और आप खुद से यार ट्यूबलेस टायर का आप खुद से भी पंक्चर बना सकते हो, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। आपके पास गाड़ी है तो आप बनवाए हो तो आपको पता ही, कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ ये देखो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है ठीक है, इसको रख दिया। और इसको लेते हैं भाई और इससे एक निकालते हैं इस तरह से, देखो मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरा पंचर है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बना करके आपको टोटली एकदम सही से दिखाने वाला हूँ। देख लो ये भाई इस तरह से है इसमें, ये देख लो इसको निकाल करके इसमें नहीं, ये तो रहता है कि क्लीन करने के लिए, कि अगर कुछ भी जहाँ पे भी पंचर हुआ है वहाँ पे डाल करके इसको इस तरह से क्लीन कर सकते हो, उसमें इसका यूज होता है। ये सेकेंड वाला यार इसका, हाँ इसमें ये देखो इस तरह से जाता है, ये देख लो इस तरह से वो जो उसमें है लिक्विड, जो इसमें लिक्विड है ये इस तरह से इसमें जाता है और बीच से फिर ऐसे इसको दबा देते हैं पूरी की पूरी एकदम टायर के अंदर, उसके बाद निकालते हैं तो ये फंस जाता है और फिर हो जाता है। तो ठीक है मेरा पंचर है, मैं सेकेंड वीडियो में मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ कैसे करता हूँ यार। तो बस यार टोटल जो मुझे रेट पड़ा भाई वो इस चीज़ का पड़ा था 160 और इसका पड़ा 100 रुपया, तो 260 हुआ और भाई 230 रुपया उसका, ठीक है तो 260 और 230 जुड़ गया 490 रुपया, यानी 500 रुपया मान लेते हैं, मोटा मोटी 500 में मेरा पंचर किट हो गया और मतलब ओके हो गया, कभी भी दिक्कत आएगा यार। और सबसे बड़ी बात यार मैं खुद से हवा घर में भर सकता हूँ, तो कहीं कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी इस तरह से मंगवा सकते हो यार, और आपके पास भी गाड़ी है तो आप खुद से ही अपने गाड़ी का पंचर बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं यार। ट्यूबलेस टायर को बनाना बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो चलो यार बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो भाई और इस वीडियो से आपको कोई भी नॉलेज मिला हो या कोई भी जानकारी मिला हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलो फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।